नमस्कार साथियों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गर्ल का फुल फॉर्म, गर्ल फुल फॉर्म या फुल फॉर्म ऑफ गर्ल। साथ ही साथ गर्ल के फुल फॉर्म का हिंदी अर्थ, गर्ल फुल फॉर्म का हिंदी अर्थ भी देखेंगे और साथ में गर्ल की परिभाषा क्या होती है। इस वीडियो में हम इस फुल फॉर्म के माध्यम से आपको गर्ल की परिभाषा भी बताएंगे। तो देखते हैं गर्ल का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने इसकी पहले वीडियो में लव का फुल फॉर्म बताया है कि लव किसे कहते हैं, लव का फुल फॉर्म क्या है। तो यदि आप देखना चाहें तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखें जो गर्ल है उसमें पहला अक्षर है जी, दूसरा आई, तीसरा आर, चौथा एल। अब देखें गर्ल का फुल फॉर्म क्या होता है। जी से आपका होता है ग्रेस, पहला अक्षर है जी, तो जी से आपका क्या होता है ग्रेस। दूसरा है आई, तो आई का अर्थ होता है इंस्पिरेशन। तीसरा अक्षर है आर, तो आर का अर्थ होता है रिस्पेक्ट। चौथा अक्षर है एल, तो एल का अक्षर होता है लव। इस एल का अर्थ क्या होता है लव। तो अब देखिए इसका सामान्य अर्थ क्या होगा। तो गर्ल से के फुल फॉर्म का अर्थ क्या है या गर्ल फुल फॉर्म का अर्थ क्या है। तो देखिए ग्रेस का अर्थ होता है आकर्षण, इंस्पिरेशन का अर्थ होता है प्रेरणा, रिस्पेक्ट का तात्पर्य है आदर, लव का अर्थ है प्रेम। तो इन सभी गर्ल फुल फॉर्म के हिंदी अर्थ के आधार पर देखें तो गर्ल की परिभाषा क्या होती है। तो जो आकर्षण, प्रेरणा, आदर और प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है वह गर्ल कहलाती है। लड़की किसे कहते हैं, तो लड़की एक आकर्षण की प्रतिमूर्ति है, प्रेरणा की प्रतिमूर्ति है, आदर की प्रतिमूर्ति है और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो जिसके अंदर ये सभी गुण समाहित होते वह गर्ल कहलाती है या गर्ल उसे कहती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।